इन दोस्तों तो 41 FAD का लोकेशन कहाँ है? सारे भाइयों को इसी बात का टेंशन है और सारे भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई इसका लोकेशन कहाँ है। तो प्रॉपर एक लोकेशन के ऊपर वीडियो बना और किस रूट से हम जाएं, कैसे क्या करें, इसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल करा दे। और जो तू भाई ग्रुप बना रहा है हमें इस ग्रुप में ऐड कर ले। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया था, मैंने आपको पहले बताया था कितने बच्चे लोग को, मैंने 10 ग्रुप करीबन बनाया था और सब लोग बात कर रहे थे। तो क्या हो रहा है ना, और बच्चे हो ना, मैं अब सोच रहा हूँ 10 ग्रुप के बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा कर लूँ और भाई अब क्या करें, सारे 10 ग्रुप के बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो जो 10 ग्रुप में बच्चे बातचीत करें वो भी एक ग्रुप में बात करके जाएं। तो इन सारे प्रॉब्लम मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ वीडियो में धीरे धीरे आगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। देखो भाई आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, ये देखो भाई सब्सक्राइब रेशियो, मतलब आते हैं देख के चले जाते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को लाइक भी करो और वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को आप शेयर करना भूल जाते हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो जो इसका लोकेशन है दोस्तों वो कहाँ है, देखिए इसका लोकेशन सबसे पहले पड़ता है लद्दाख। लद्दाख हम लोग का कैसा एरिया है, तो लद्दाख भाई ऊंचा एरिया है, वहां पे ज्यादा मतलब ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहता है। वहां पे जाने के लिए दोस्तों कौन सा रूट से जाएं, तो आप ट्रेन से भी दोस्तों जा सकते हैं और प्लेन से भी दोस्तों जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों रूट से जाने को आपको वहां पे फ्री है। देखिए प्लेन से जाएंगे तो आपको आसानी क्या होगा कि आपको जो रास्ते में बस का झंझट है, बस कहाँ मिलेगा आपको, क्या कैसे रास्ता खराब है अच्छा है, ये सब का झंझट आपको खत्म हो जाएगा। वहां जाने के लिए आपको दो रूट है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जम्मू कश्मीर से आप जा सकते हैं, दूसरा जो आपका मनाली वाला रास्ता है। जो मनाली वाला रास्ता है वो रास्ता बहुत अच्छा है क्योंकि अभी नया नया वहाँ टनल बना है, नया नया रास्ता वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो वहाँ से जो जाने का रास्ता है वो आपको 450 किलोमीटर आपका पड़ेगा, आप गूगल पे सर्च कर लेना। और दोस्तों आप अगर कारगिल से जाते हो तो आपको 410 किलोमीटर कुछ आपका पड़ जाएगा, मतलब ये रास्ते का जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब देखिए रास्ता रास्ता कैसा है, तो दोस्तों रास्ता देखिए आपको मैं बहुत सारा वीडियोस में देखा हूँ फिलहाल, और वीडियो में को देख के ये पता चला कि कारगिल वाला जो रास्ता है वो पूरा गड्ढा पानी मतलब भरा हुआ इस टाइप का है, ठीक है, मतलब पूरा अच्छा रास्ता आपका डायरेक्ट नहीं है। और जो आपका जम्मू से रास्ता जाता है, अब देखिए कितने भाइयों को जम्मू का ट्रेन कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों मैं ओडिशा के लिए आपको बता दूं कि यहाँ से ओडिशा से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है आपका जम्मू के लिए। आपका डायरेक्ट जो जम्मू के लिए ट्रेन है वो कोलकाता से आपको मिल जाएगा, कोलकाता से डायरेक्ट आपका जम्मू कश्मीर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगा। तो आप जम्मू में जाएंगे, जम्मू से आपका लेह जो है वो 710 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों, उससे नजदीक वो है नहीं। इस वीडियो का पूरा देखना, ठीक है, मैं आपको पूरा प्रॉपर एक एक चीज का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो आपका 710 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों, अब वहां से कोई भी आप टॉम बस टेम्पू जो भी आप इकट्ठा करें, आप अगर अकेले आप जा रहे हैं वहां रिजर्वेशन मतलब रिजर्व करेंगे तो आपका प्रॉपर वो आपको 4000 रुपये आपका खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहां पे बस नहीं करते हो, ठीक है, आप ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं क्या करोगे वहां पे बस टेम्पो नहीं करते, आप अपना बाइक लेते हो दोस्तों, बाइक का भी एक दिन का रेंट 1500 रुपये है वहां पे, आप बाइक भी ले सकते हो, चाहो तो आप वहां पे बाइक भी रेंट पे ले सकते हो, लेकिन 1500 से 2000 रुपये का बाइक का भी चार्जेस है। आप बाइक से भी जाओगे तो आपको वही खर्चा, आपको उससे ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा दोस्तों। बाइक से जाने की कोई दरकार नहीं, आप वहां पे गाड़ी टेम्पो जो भी आपको मिले, ठीक है। मैं आपको क्यों बोल रहा था ग्रुप में जाने के लिए, ग्रुप में जाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा था कि जब आप ट्रेन से जाते हो, ठीक है, जो आपको प्लेन से जाते हैं उनका उतना कोई टेंशन नहीं है, वो तो एडजस्ट कर ही लेंगे। जो सबसे ज्यादा टेंशन है, ठीक है, वहां जाने का, वो भाई जो ट्रेन से जा रहे हैं सबसे ज्यादा टेंशन उनको है, ठीक है। प्लेन वालों को भाई को नहीं, प्लेन वालों तो डायरेक्ट आपका ले एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उसके बाद वो पीछे आएंगे आपका कारू है, वहां से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला जो भी एरोप्लेन से जा रहे हैं, ठीक है। और एरोप्लेन से मैं आपको बता दूं, दिल्ली से आप डायरेक्ट आपका दिल्ली से आपका डायरेक्ट लेह तक का आपका टिकट मिल जाएगा एरोप्लेन का, आपका 4500 रुपये तक कुछ पड़ रहा है। आप देख लेना अभी टिकट का क्या हाल है, मुझे नहीं पता, लेकिन 4500 तक आपका टिकट पड़ेगा, कहाँ से, दिल्ली से आपका डायरेक्ट लेह तक, ठीक है। तो जो लोग प्लेन से जाएंगे उनको कोई भी टेंशन नहीं है, वो डायरेक्ट आपका लेह एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपका लेह एयरपोर्ट पे उतरेंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, कारू आप उनको मिल जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वो ग्रुप में भी जाए तो ठीक, वो अकेले भी जाए तो ठीक। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला, मैं पहले ही बता दूं, जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ग्रुप में आपको जाना बहुत जरूरी है जो कि आप ट्रेन से जा रहे हो, क्योंकि आप अगर ट्रेन से जाओगे, अब आप लोग 5-10 जन गए ट्रेन से, आप उतरे स्टेशन पे, ठीक है, आसपास आपका कोई भी टेम्पो वाला मिला, अब 5-10 जन है, 10 मिलके वहां पे टेम्पो रिजर्व कर लिया, अब वो टेम्पो या बस वाला जो भी वो बोला वहां पे जाने के लिए हम 4000 रुपया कुछ लेंगे, 4000 या 5000 रुपया लेंगे। अब आप लोग 10 जन है, आप लोग क्या प्रॉब्लम है, 250-250 रुपया भी देंगे तो आप लोग आराम से वहां पे जाके पहुंच गए, कहां, कारू। कारू आपका कितना पड़ जाता है, कारू आपका ज्यादा तो है नहीं, 710 किलोमीटर पड़ता है जम्मू से। आप लोग 5-10 जन आराम से 250-250 रुपया खर्च मतलब दे के आप लोग
पूरा रिजर्वेशन करके आराम से आप कोई भी रिजर्व करके आप पहुंच गए कहाँ, आप लोग पहुंच गए कारू। अब वहां रहने का होटल का है, तो एक होटल में 3 से 4 जन को अलाउ करता है, तो 1500 रुपया देके आराम से आप 3 से 4 जन एक होटल में रह जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, आराम से आप होटल पे वहां पे रह गए, आपको जो खर्चा है, अब आपको 3 जन होटल में रहना है, तो दोस्तों जो होटल का दाम 1500 रुपया है, आप लोग 1500 रुपया भी देंगे तो 3 जन आप लोग एक दिन का आपका रहने का 500 रुपया हो गया डायरेक्ट हाफ, मतलब जो 1500 रुपये एक आदमी पे बोझ पड़ता वो डायरेक्ट आपका 500 रुपया पड़ गया बोझ। मैं हिसाब किया हूँ, 500 रुपया बोझ पड़ गया आपको। अब क्या हुआ, आपका जो 1500 जहाँ खर्चा होता पर डे का 500 रुपया, अब अगर आपको 10 दिन भी रहना पड़ेगा तो आप 500 करके हिसाब कर लो ना, 10 दिन का आपको कितना खर्चा पड़ जाएगा। उसके बाद चलिए उसको हटाएं दोस्तों, खाने का खर्चा लेके आते हैं, तो खाने के लिए एक प्लेट का 200 रुपया चार्ज करता है, तो मैं बोलता हूँ चावल एक प्लेट मंगा लेना, दाल एक प्लेट मंगा लेना। अगर आप लोग ग्रुप में जाओ ना तो आप लोग का खर्चा ना दोस्तों पूरा हाफ हो जाएगा, मतलब 25000 रुपया अगर आप खर्चा अकेले जाके 25000 रुपया तक आप सोच रहे हो, तो अगर आप अकेले जाओगे तो वो खर्चा पूरा हाफ हो जाएगा दोस्तों, 15000 भी खर्चा होगा, मतलब 15000 आप रख लो अगर आप ग्रुप में जाते हो तो। अब ये मत सोचो कि मेरे पड़ोसी का आएगा तो मैं उसी के साथ जाऊंगा, वही मेरा ग्रुप है। दोस्तों आप नौकरी वाले हो, आर्मी वाले हो, समझे ना, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां आर्मी वाले जाते हैं, समझ रहे हो, तो बाहर के लड़कों से ग्रुप बनाओ। मैंने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया था, मैंने आपको इंस्टाग्राम में ग्रुप के बारे में बताया था, 10 ग्रुप मैंने क्रिएट किया था, 10 ग्रुप में भाई बहुत बच्चे मैसेज करे, तो मैंने क्या किया, यहां 32 से बच्चे ऐड हो नहीं पा रहे, तो मैंने क्या कि नीचे एक ग्रुप बना दिया टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आप चैट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक इस वीडियो के नीचे आपको दे दे रहा हूं, आप जाओ उस टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, और ज्वाइन होने के बाद आप वहां पे मैसेज करो और आपस में बात करो, जो भाई लोग जा रहे हैं आपस में बात करो। अब अपने घर के पड़ोसी का टेंशन मत लो कि उसके ही साथ जाएंगे, उसका टेंशन छोड़ो, आप अपना ग्रुप बनाओ, ठीक है, अब भाई चलेंगे साथ में, मेरा इतने तारीख को है, मेरे इतने तारीख को, आप लोग बात कर लो। अब आप लोग बात करोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना 25000 से 15000 रुपये तक खर्चा है यार दोस्त, पूरा हाफ हो जाएगा दोस्तों, जो बड़ा बड़ा बात हो रहा है पूरा खत्म हो जाएगा, समझे ना, एक उंगली को आप तोड़ सकते हो, 5 उंगली को एक ही साथ आप तोड़ना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो, तो अकेले आदमी को कोई भी पीट सकता है, लेकिन जहां 10 जन खड़े हो जाएं उसको पीटना बड़ा मुश्किल है, तो सेम चीज यहीं पे है, अकेले आप जाओगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे, 5-10 जन के साथ जाओगे तो आपको कोई भी ठगने वाला नहीं है, वहां वहां कोई चमकाने वाला है कुछ नहीं, मतलब एक ग्रुप का पावर। जब भी आप आर्मी रैली में जाते हो तो देखना कौन कहां से आए हैं, किसी को नहीं पता, आप बिहार से आए हो, मैं बंगाल से आया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता टी आर्मी की रैली में, वहां जाने से सब दोस्त हो जाते हैं और एक ग्रुप बन जाते हैं, समझे ना। और जब आर्मी वाले बंदे ट्रेन में घुसते हैं तो टीटीआई भी टिकट मांगने से पहले 4 बार सोचता है ये किससे टिकट मांग रहे हैं, समझे ना, ये हो जाता है, मतलब रंगदारी हो जाता है मतलब एक ग्रुप का पावर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसे ही ग्रुप बना के जाओ, वहां पे आपको खर्चा भी कम मिलेगा, और मैं आपको, मैंने पहले ही बताया मैं आपको मदद करूंगा, आप टाइम नहीं बचा हुआ है, इस वीडियो के नीचे दोस्तों ग्रुप मैंने बना दिया है और ग्रुप का लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, फटाफट उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो और फटाफट आपस में बात करना शुरू करो कि भाई कैसे जाएं, क्या करें, ठीक है, वहां जाने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या हम लोग का टेक्निक रहेगा। आप लोग 2-3 दिन पहले जाओगे तब ना वहां पे रनिंग करके प्रैक्टिस कर पाओगे कि दोस्तों वहां पे कैसा है, सांस कितना फूल रहा है, कितना टाइमिंग में आप मेकअप कर पाते, कि हर किसी का बॉडी अलग होता है। अब आपके घर में आप 5 मिनट में 1600 मीटर मार रहे हो, वहां आप एक बार मार के देखो, ट्राई करके देखो, रोड में मारो 1600 मीटर, नाप के देखो, मोबाइल में आजकल तो कोई भी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो कितना मीटर आप दौड़ रहे हो, 1600 मीटर वहां पे दौड़ के एक बार ट्राई करो, देखो वहां पे कितना आप दौड़ रहे हो। अगर आप 1600 मीटर वहां पे 6 मिनट में मार रहे हो, आपका सांस ज्यादा फूल रहा है, तो 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। वहां फिजिकल में बस यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा हवा का मतलब थक्का है, उतना भी दोस्तों अफवाह जितना फैला उतना नहीं है, क्योंकि वहां भी लोग रहते हैं दोस्तों, ठीक है, वहां ऐसा नहीं कि वहां लोग नहीं रहते, वहां एलियन लोग रहते हैं, नहीं, वहां भी इंसान लोग रहते हैं और वहां भी वो लोग जीते हैं, तो वहां ऑक्सीजन का लेवल उतना भी कोई कम नहीं है जितना अफवाह मचाया जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल ठीक है। और जो लोग होते हैं सर चकराएगा, उल्टी होगा, होगा दोस्तों, लेकिन सबको नहीं होगा, किसी किसी को होगा, होता है दोस्तों, माइनर प्रॉब्लम तो आता ही है, ठीक है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कोई बड़ा काम किए कभी जय जयकार नहीं होती, ठीक है ना, किस्मत उनके भी होते हैं जिनकी हाथें नहीं होती, ठीक है ना। देखो ना दोस्तों, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्या, मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको अपने घर में वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, बहुत नॉइस आता है, ठीक है, मैं नॉइस कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं क्या करता हूँ, मेरा न्यू घर है, ये न्यू घर बनने वाला है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये 3-4 रूम है, जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा मैं फिर अपना यूट्यूब स्टूडियो बना दूंगा, मेरे पास सारा चीज अवेलेबल है यूट्यूब का, मेरे पास लाइट भी है, ग्रीन स्क्रीन भी है, हर कुछ है, मैं हर चीज बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी ये नया घर कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं स्टूडियो बना दूंगा, उसके बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा वीडियो बनाने के लिए, अपना पर्सनल जगह है, पूरा शांत एरिया है, आसपास कोई भी यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हमको ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से डरते नहीं, ऐसा नहीं कि अब लोग बोलते हैं ना इतना जब होगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, अब अभी नहीं बनाएंगे, तो मेरा वैसा नहीं है, मेरे पास जो है जैसा है मैं वही उसी से खुश हूं और उसी को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है।
तो वैसे ही अपने प्रॉब्लम से आप लड़ो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है मेरे को पता है, आप बाहर के लड़के से कैसे जाओगे क्या करोगे, दोस्तों जब आप मिलोगे ना तो अपने आप दोस्ती यारी हो जाएगा, ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लो और आप ग्रुप होके जाओ, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूँ दो रास्ता आपका जाता है, एक मनाली से जाता है जो आपका 450 किलोमीटर पड़ता है, एक कारगिल से जाता है दोस्तों जो आपका 410 किलोमीटर पड़ता है। कारगिल रास्ता थोड़ा खराब है, मनाली वाला रास्ता थोड़ा अच्छा है, ठीक है, मतलब 450 किलोमीटर वाला वो भी नया टनल सब अंदर से बना हुआ है, तो वो रास्ता पूरा आपका परफेक्ट है। आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है लेह में, ठीक है, लेह में आपको जाने के बाद वहां पे आपको थोड़ा सा पीछे आना है, लेह मतलब लेह जाने टाइम भी आप बोल दोगे ना कारू में पहुंचा, तो कारू भी बहुत फेमस जगह है वहां पे, ठीक है ना, तो आप वहां पे कारू में जाइएगा, कारू में वहां पे डिपो आपको मिल जाएगा, बहुत छोटी जगह है, उतना कोई बड़ा नहीं, कहीं भी पूछोगे तो डिपो का लोग आपको बता देंगे, आप वहां पे डिपो में जाएंगे फिजिकल देंगे आराम से आएंगे। जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं उन लोग का भाई जम्मू से आपका 710 किलोमीटर पड़ता है डायरेक्ट कारू के लिए, वह मैं आपको लेकर रास्ता नहीं बताऊँ, डायरेक्ट कारू का रास्ता बता रहा हूँ, कारू का आपका पड़ता है, आप जो भी टेम्पो वेम्पू को पकड़ना है डायरेक्ट आप कारू के लिए रिजर्व करना है, ठीक है ना, 10-15 ग्रुप जा रहे हो, 6000 भी लेगा तो इसकी माँ कोई गम नहीं रहेगा, ठीक है ना, 6-7-10 एक ही बार जाना, ग्रुप मतलब टेम्पो साला जो भी होगा टेम्पो बस रिजर्व मारना है इसकी नानी का, डायरेक्ट आप कारू में जाके उतरना, टेंशन ही कोई नहीं है बात, और रहने के लिए वहाँ तंबू वम्बू सब रहता है, ठीक है, मैं जब गया था तो अभी तो और भी ज्यादा एडवांस हो चुका होगा, तो उसका आप टेंशन मत लो। तो यही इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, ऐसे ही लोकेशन में जाना है और इस स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, तो मेरे नीचे इस वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, मैंने जो अभी न्यू टेलीग्राम चैनल मतलब ग्रुप क्रिएट किया है, चैनल नहीं सॉरी ग्रुप, तो ग्रुप का भी लिंक है, आप उस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ और आपस में चैटिंग करो, बात करो कि वहां कैसे जाना है, कैसे हम लोग आप दोस्त बनाओ उस ग्रुप में, बात करें अपना नंबर शेयर करो और ग्रुप दोस्त बनाओ, जब आप लोग दोस्त बन जाते हो तो आप जाओ वहां पे फिजिकल दो और सिलेक्शन लो और उसके बाद आओ, उसके बाद बोलो सौरभ भाई आपने तो कतई आग लगा के रख दिया है, मोदी जी के राज में आपने नौकरी लेके दिखा दिया हम लोगों, ठीक है, तो इस टाइप का पूरा जोश में लगे रहो। और जो बच्चे नहीं भी जा रहे उनको कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, नौकरी बहुत निकल रहा है, ASC का जो नौकरी निकला हुआ था फॉर्म उसको आप फॉर्म भरो, वहां भी फिजिकल अभी आएगा उसका एडमिट कार्ड, जैसे उसका एडमिट कार्ड आना शुरू होगा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं तो आपको नौकरी लगवा ही देंगे हम, ठीक है ना, तो उसका टेंशन मत लो, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, मेरे वीडियो को शेयर करते रहो और आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जय हिंद जय भारत। भरत माता की जय, की रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल मिलेगी और मरने का मजा भी आएगा। APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि सपना वो नहीं होता जो बंद आंखों से देखा जाता है, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही ना दे, खुली आंखों से देखा जाता है वो सपना होता है। आप देख लेना जितने भी आपके आर्मी के हीरोज होंगे ना, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, उनको बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करने का शौक था, जिन्होंने परमवीर चक्र जीता। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उनका बचपन से ही ख्वाहिश था कि वो आर्मी में जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। जो लोग बाई चांस लक के थ्रू जाते हैं ना, वो लोग वहां पे कुछ नहीं कर पाते, जिनका जुनून होता है, जिनके अंदर जोश होता है, जिनके छाती में दम होता है अंदर में, वो लोग जब वहां जाते हैं ना तो कुछ करके दिखाते हैं। तो अगर आपके आपके मन में भी बस पैसा, आर्मी अगर आपका पैसा कमाने का जरिया है तो बिल्कुल दोस्त आर्मी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आर्मी आपका पैसा कमाने का जरिया नहीं, आपका पैसन है, तो आप जरूर एक दिन ना एक दिन आर्मी ज्वाइन करोगे और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पे इस न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जय हिंद जय भारत। अगर मुझे कुछ भी आपको इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का तो लिंक है ही जो मैंने ग्रुप बनाया है, मेरा इंस्टाग्राम का भी ये है, अगर आप मुझे मैसेज करो, अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर देना, मैं अगर ऑनलाइन आप देखते हो तो मैं आपको कॉल रिसीव करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय।